साल 2014 का इंग्लैंड दौरा, विराट कोहली कभी नहीं भूलेंगे। इस टूर पर कोहली से ज्यादा टेस्ट रन रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार ने बना डाले थे। कोहली 4 बार जेम्स एंडरसन का शिकार बने। जेम्स एंडरसन जिनका सुनहरा टेस्ट करियर अब खत्म हो चुका है। 42 साल के एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। पूरे 22 साल खेले एंडरसन निर्विवाद रूप से विकेट्स के मामले में महानतम पेस बॉलर है। जिमी सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले पेसर है। जिमी का जलवा ऐसा है कि इस मामले में इनके बाद आने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड तकरीबन 100 विकेट पीछे रह गए। जिमी इंग्लैंड के कस्बे बर्नली से आते हैं। लैंकशायर काउंटी के हिस्से आने वाले इस शहर को, इस कस्बे को एक वक्त कॉटन और फुटबॉल के लिए जाना जाता था। वक्त बीतते बीतते यहाँ से कॉटन खत्म होती गई, लेकिन फुटबॉल आज भी है। इस कस्बे की अपनी फुटबॉल टीम है, इसे बर्नली फुटबॉल क्लब बुलाते हैं। ये टीम जहाँ खेलती है उस स्टेडियम का नाम टर्फ मूर है, और जिमी की कहानी में टर्फ मूर का बड़ा रोल है। इस टर्फ मूर के पास ही एक और टर्फ मूर है जहाँ बर्नली की क्रिकेट टीम खेलती है। इस क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर जाएं तो पता चलता है कि इनके पास चेंजिंग रूम पवेलियन के साथ रोलर, स्कोर बॉक्स, कवर्स और घास वाला एक नेट है। अगर आप भारत की किसी भी मेट्रो सिटी में क्रिकेट खेलते हैं तो ये विवरण सुनकर आपको निश्चित तौर पर कुछ याद आ रहा होगा। नोएडा से लेकर गुड़गांव, बेंगलोर से लेकर मुंबई तक सब जगह क्रिकेट खेलने की ऐसी व्यवस्था मौजूद है। तकरीबन 30 साल पहले बर्नली की यही व्यवस्था, क्लब की सेकेंड 11 यानी वो टीम जिसमें दूसरे दर्जे के प्लेयर्स खेलते हैं, इसमें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी आंखों का विशेषज्ञ क्रिकेट खेलने आता था। ये बंदा अपने साथ अपने बेटे को भी ले आता था और ये बेटा यानी जेम्स एंडरसन टीम के लिए स्कोरर का काम करता था। जल्दी ही इसे एक पेस बॉलर के रूप में क्लब की सेकंड 11 में जगह भी मिल गई, लेकिन अभी तक किसी ने इसे नोटिस नहीं किया था। और इसके पीछे जिमी का शर्मीलापन भी एक बड़ी वजह थी। वह बहुत कम बोलते थे और इसीलिए लोगों को लगता था कि ये बस ऐवें ही कोई होगा। जिमी नोटिस हुए कुछ बरस बाद। आज से तकरीबन 26 साल पहले अब उनकी हाइट बढ़ चुकी थी और गेंदों की रफ्तार पहले से ज्यादा थी। काउंटी का पहला सीजन खत्म हुआ तो जिमी को इंग्लैंड की एकेडमी के लिए चुन लिया गया। एंडरसन अपना पहला मैच खेलने के लिए पहुंचे, अपना सामान अनपैक किया, सोने की तैयारी चल रही थी तभी पता चला कि उन्हें इंग्लैंड की वनडे स्क्वाड में चुन लिया गया है। वह फिर से पैकिंग करने लगे। ये देखकर उनके रूममेट ने पूछा, क्या कर रहे हो, अभी तो सामान खोला था। जिमी ने जवाब दिया, मैं इंग्लैंड की स्क्वाड से जुड़ रहा हूँ। यह सुन साथी को यकीन नहीं हुआ, वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, चलो चलो अपना सामान वापस रखो। जिमी लगातार बेहतर होते रहे। फिर आई 23 मई की तारीख साल 2003, लॉर्ड्स का मैदान, इंग्लैंड के सामने जिम्बाब्वे की टीम, जेम्स एंडरसन का टेस्ट डेब्यू। नई गेंद से पहला ओवर, बहुत बुरी लाइन और लेंथ, 2 नो बॉल्स के साथ इसमें आए 17 रन। लेकिन जिम्बाब्वे की पहली पारी खत्म हुई तो एंडरसन का यह ओवर दुनिया भूल चुकी थी, क्योंकि ये बंदा अपने पहले मैच की पहली पारी में 5 विकेट हॉल ले चुका था। एंडरसन ने टेस्ट करियर की शुरुआत ही लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम लिखाने के साथ की। फिर वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली, लेकिन जिमी को जल्दी ही समझ आ गया कि इस लेवल का खेल आसान नहीं होगा। जिमी अपने शुरुआती प्रदर्शन को निरंतरता में नहीं बदल पाए। अच्छी शुरुआत के बाद जल्दी ही उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। न सिर्फ वह गेंद से नाकाम हो रहे थे बल्कि उनका शर्मीलापन भी साथियों के लिए समस्या थी। कप्तान नासिर हुसैन समझ ही नहीं पाते थे कि एंडरसन के साथ कैसे काम किया जाए। हालात ऐसे थे कि इंग्लैंड वाले किसी को भी बुलाकर उतार देते, लेकिन एंडरसन को नहीं। एंडरसन सालों तक ऐसे ही घूमते रहे, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, जाने कहां कहां के टूर किए, लेकिन इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 टेस्ट खेलने का मौका मिला। इन टूर्स पर एंडरसन का काम नेट्स में बॉलिंग और साथियों को पानी पिलाने का होता था। यहां तक कि इंग्लैंड वाले घर में खेलते तो भी एंडरसन कवर के रूप में ही बुलाए जाते। कई बार ऐसा भी हुआ कि कवर के रूप में टीम से जुड़े एंडरसन को बीच में ही काउंटी खेलने भेज दिया गया, वो भी तब जब उनकी काउंटी टीम लैंकशायर किसी चैंपियनशिप गेम के 2 दिन बिता चुकी होती थी। क्रिक इन्फो के मुताबिक 2004 की गर्मियों में एंडरसन ने कुल 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले, इनमें से 3 टेस्ट थे। लेकिन फिर उन्होंने वापसी की, और ऐसी वापसी की कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर बन गए। जिमी ने 2010 की एशेज में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी। 5 टेस्ट की सीरीज में 24 विकेट लेने से पहले वह पाकिस्तान के खिलाफ 4 टेस्ट में 23 विकेट ले चुके थे। एशेज की 72 पारियों में जिमी ने 117 विकेट अपने नाम किए, जबकि भारत के खिलाफ 73 पारियों में उनके नाम 149 विकेट रहे। जिमी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 पारियों में 103 विकेट निकाले थे। साल 2012 इंग्लैंड वाले भारत दौरे पर आए थे, यहाँ इन्होंने 4 टेस्ट की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। यूं तो बस ये 1 टेस्ट सीरीज की जीत थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहाँ तक आने में इंग्लैंड को 27 साल लगे, यानी उन्होंने पूरे 27 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। और इस जीत के आर्किटेक्ट रहे जिमी एंडरसन।
उन्होंने ऐसी खतरनाक रिवर्स स्विंग फेंकी कि वसीम अकरम भी फैन हो गए। उन्होंने ये बॉलिंग देखकर तीसरे टेस्ट के बाद कहा, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की उससे लगता है कि इंग्लैंड अब इस सीरीज में बेहतर ही होगा, क्योंकि उनके पास रिवर्स स्विंग की जानकारी है और महत्वपूर्ण रूप से इस बात का आइडिया भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। मेरे लिए यह ऐसा था जैसे पाकिस्तान की टीम यहाँ खेल रही हो। कमाल की बॉलिंग। बढ़ती उम्र के साथ जिमी की बॉलिंग और बेहतर हुई। 34 साल की उम्र में वह पहली बार वर्ल्ड नंबर वन टेस्ट बॉलर बने और फिर 40 की उम्र में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। फरवरी 2023 में जिमी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग टॉप करने वाले सबसे बुजुर्ग बॉलर बने। हालांकि इस वापसी में एक और बात जानने लायक थी, एंडरसन अब पहले जैसे शर्मीले नहीं रहे। अब वह बीच मैदान प्लेयर्स अंपायर से भिड़ने से कतराते नहीं थे। यहां तक कि उनके कई टीममेट्स भी ये स्वीकारते हैं कि एंडरसन बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं। जरा से फंबल पर वह अपने साथियों को गालियां देने लगते थे। तो चलिए जाते जाते आपको उनके ऐसे ही कुछ विवादों के बारे में बता देते हैं। 2007 का वनडे वर्ल्ड कप, जिमी ने इस दौरान भी बवाल किया। इयन बेल, जॉन लेविस, पॉल निक्सन और लियम प्लंकेट के साथ जिमी पर भी फाइन लगा था। इन प्लेयर्स पर टीम का अनुशासन तोड़ने के चलते यह फाइन लगा। देर रात शराबखोरी के चक्कर में ये लोग बाहर टहल रहे थे और एक फैन द्वारा खींची गई इनकी भयंकर तस्वीरें ब्रिटिश प्रेस के हाथ लग गई थी। बस फिर क्या था, ईसीबी ने इन सभी पर फाइन लगा दिया। 3-7 जनवरी 2010 केप टाउन टेस्ट ड्रॉ रहा था। मैच के तीसरे दिन स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे। हालांकि इसकी ऑफिशियल शिकायत नहीं हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। इंग्लैंड की टीम ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। हालांकि मामला बहुत आगे नहीं गया, 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। भारत ने 2014 में इंग्लैंड का दौरा किया और उसी दौरे से हमने ये कहानी शुरू की थी। इस दौरे का पहला टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में खेला गया था। टेस्ट के दूसरे दिन जेम्स एंडरसन और रविंद्र जडेजा की कहासुनी हो गई। बाद में भारतीय दल ने आरोप लगाया कि जिमी ने लंच ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम के पास जडेजा के साथ धक्का मुक्की की। आरोप बड़ा था, एंडरसन पर लेवल 3 का चार्ज लगा जबकि जडेजा पर लेवल 2 का। मामला खूब लंबा खींचा लेकिन अंत में जिमी बच गए। बीसीसीआई ने तो यहां तक आरोप लगाए थे कि जानबूझकर घटना की वीडियो फुटेज गायब कर दी गई। मामला कानूनी कार्यवाही तक पहुंचा। लंबी खींचतान के बाद अंत में दोनों ही प्लेयर्स को दोष मुक्त पाया गया। दिसंबर 2016 इंग्लैंड वाले भारत में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। सीरीज का चौथा टेस्ट मुंबई में हुआ। यहां अंतिम पलों में बैटिंग पर आए जिमी की अश्विन से भिड़ंत हो गई। दरअसल जिमी ने इस सीरीज के दौरान कहा था कि भारतीय पिचेज पर विराट कोहली की कमियां ढक जाती हैं और इस बात से अश्विन खफा थे, ऐसा विराट कोहली का कहना है। विराट ने इस बारे में बाद में कहा था, पहली बार मैदान में एंडरसन से जुड़ी लड़ाई शांत करने की कोशिश कर रहा था। अश्विन को एंडरसन का बयान पसंद नहीं आया था, लेकिन मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूं, मैं तो हंस रहा था। तमाम विवादों और 704 टेस्ट विकेट्स के साथ एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वनडे में उनके नाम 269 जबकि टी20 इंटरनेशनल में 18 विकेट्स रहे। जिमी टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर हैं जबकि ओवरऑल उनका नंबर 3 है। जिमी से ज्यादा टेस्ट विकेट बस शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन के नाम है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप लंदन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। शुक्रिया।